मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है। बताया जा रहा है कि ये कार्यवाही कोरोना वायरस के चलते स्थगित की गई है। इसका मतलब है कि आज कमलनाथ सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। आपको बता दें कि राज्यपाल ने विधानसभा को संबोधित किया और विधायकों को दायित्व निभाने की सलाह देते हुए विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र भेजकर फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कहा था। राज्यपाल के पत्र के बाद से ही कमलनाथ अपनी सरकार को बचाने के कानूनी रास्ते लगातार खोज रहे हैं और विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने से तो कमलनाथ को 26 मार्च तक का समय मिल गया है, जिससे वो अपने विधायकों से बात कर सकेंगे। न्यूज़ डेस्क।